नमस्ते, मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं कैवल्य धाम योग संस्थान में योग शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपके बीच एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, योग में जल तत्व का महत्व। तो अगर हम जल तत्व की बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में जल का प्रमाण बराबर रहता है तो हमारा शरीर पूरी तरह से अच्छे से काम करता है। तो अगर हम देखें कि हमारे शरीर में, अगर साइंटिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम जाते हैं, तो हमारे शरीर में 60-70% जो है मात्रा जल तत्व की होती है। तो अगर जल तत्व आपके शरीर में, जल तत्व की कमी है, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपको कब्जियत की शिकायत हो सकती है, ज्वाइंट्स पेन की शिकायत हो सकती है, दूसरा जो है बैक में जो है, जो आपका स्पाइन है वो बराबर तरीके से मोबिलाइज नहीं करता है। चौथी चीज़ जो है, आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपकी स्किन जो है, आपकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये सारा महत्व है जल तत्व का। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है। तो जो पाँच महाभूत हैं उसमें जल तत्व भी एक महाभूत है पंच महाभूत में। तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जल तत्व किस तरह से हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो और दूसरी चीज़ अगर हम आपको योग में थोड़ा सा आपको लेकर के जाते हैं, हम लोग, अगर आपका जल तत्व बराबर है शरीर में, आपका लुब्रिकेशन जो है आपके शरीर में बराबर है, तो प्राण का संचार बहुत अच्छे तरीके से पूरे शरीर में जो है संचारित होगा। अगर जल तत्व का प्रमाण बराबर नहीं है तो प्राण का संचार भी अच्छे से नहीं होगा और बॉडी में एक सूखापन या ड्राइनेस जो है इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग प्राणायाम का जब अभ्यास देते हैं या करवाते हैं, योग अभ्यास करवाते हैं, तो हम उन लोगों को घी, कि आप अपने भोजन में घी लें, तो अगर आप घी लेते हैं तो आपके बॉडी में जो है लुब्रिकेशंस जो है, आपके बॉडी में चिकनाहट आती है और वो प्राण जो है बिना किसी बाधा के आपके पूरे शरीर में जो है संचारित होता है। तो अगर आप देखें, और दूसरा, अगर योग में ये भी बोला गया है कि भोजन में लुब्रिकेशन का महत्व, तो बोला गया है कि अगर आप भोजन लेते हैं तो अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी आपका जो है ठोस होना चाहिए और 1 रोटी के बराबर लुब्रिकेशन होना चाहिए और 1 रोटी के बराबर जो है गैप होना चाहिए, जिससे वायु जो है, या जिससे चर्निंग पूरी तरह से हो जाए आपके बॉडी, आपके डाइजेशन की। तो ये भी महत्व है। आप देख सकते हैं कितना महत्व है जल तत्व का। तो आप ये देख लीजिए कि जल को या पानी को हम किस तरह से हम इंटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी है, ठीक है, घी भी एक तरह से जल का ही एक प्रमाण है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।